हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज हम इस वीडियो में गिट और वीएस कोड को कैसे कोडिंग के लिए कस्टमाइज किया जाता है, आज हम इस बारे में सीखेंगे। तो हमेशा की तरह, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आईटी से रिलेटेड वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जल्द ही प्रोग्रामिंग से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग सीखनी है, आईटी का थोड़ा बहुत नॉलेज लेना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए, बिना कुछ ज़्यादा समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो कैसे हैं आप लोग? हम इस वीडियो में वीएस कोड को गिट के साथ कस्टमाइज करेंगे। तो हम गिट को ही क्यों कस्टमाइज कर रहे हैं कोडिंग के लिए, सबसे बड़ा सवाल। क्योंकि गिट बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है प्रोग्रामिंग के लिए। गिट का यूज़ वर्जन कंट्रोलिंग के लिए किया जाता है। वर्जन कंट्रोलिंग यानी क्या? हम जब जब अपने प्रोग्राम को, जो भी हम प्रोग्राम लिखते हैं उसको स्टेप बाय स्टेप हम सेव भी करते हैं, तो जब जब सेव करते हैं तो गिट में उसको कमिट किया जाता है। कमिट करने से गिट उस कोड का स्नैपशॉट ले लेता है, जिससे तो जिस दिन आप कमिट करते हैं उस दिन एक कमिट आईडी बन जाती है, जिससे कि हम उस आईडी का यूज़ करके वापस प्रीवियस वर्जन में, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उसका प्रीवियस वर्जन ओपन करके वापस वहां से काम स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आगे कुछ प्रॉब्लम हुआ तो या हमें कुछ काम हुआ तो। इसलिए गिट का यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है प्रोग्रामिंग में, कोडिंग में। इसीलिए हम वीएस कोड में गिट का यूज करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरा पहले वाला वीडियो विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉलेशन एंड सेटअप एंड गिट इंस्टॉलेशन एंड सेटअप वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ पहले इसे देखिए, ताकि आपको मालूम चले इसे कैसे डाउनलोड और सेटअप किया जाता है अपने कंप्यूटर में, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। तो अगर आपने डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं। तो वीएस कोड में गिट को कस्टमाइज करने के लिए बहुत ही आसान स्टेप है। आसान इसलिए हो गया अभी क्योंकि अभी जुलाई का वीएस कोड का अपडेट आया है, जिससे कि वीएस कोड वाले ने बहुत ही आसान कर दिया है गिट को विजुअल स्टूडियो के साथ कस्टमाइज़ करना, मतलब कंबाइन करना, ताकि वो एनी टाइम कमांड खोलने पे गिट कमांड खुल जाए। गिट बैश बोलते हैं उसको। तो मुझे अभी अपडेट आया था, जुलाई का अपडेट आया था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हेल्प में जाके रिलीज नोट, तो आप देख सकते हैं जुलाई 2021 वर्जन 1.58 ये लेटेस्ट वर्जन है। तो जो भी हर बार जब भी अपडेट आता है तो ऐसा रिलीज नोट करके वीएस कोड वाले देते हैं, ताकि हम देख सके कि क्या क्या न्यू फीचर ऐड हुए हैं। तो मैं अभी चेक ही कर रहा था तो मुझे अपना गिट को ऐड करने का बहुत ही आसान तरीका मिला है, मैं आपको दिखाता हूँ ये। तो आप जैसा कि इसमें देख सकते हैं कि ये लिखा है सेट कंट्रीब्यूट टर्मिनल प्रोफाइल एज अ डिफॉल्ट। जो भी हम नीचे अभी टर्मिनल खोलेंगे उसको हम डिफॉल्ट क्या हमें रखना है हम रख सकते हैं, ये थर्ड वाला ऑप्शन है ड्रॉप डाउन ओपन। तो हम कैसे करेंगे, तो हमें अपना टर्मिनल ओपन करने के लिए इसके दो तरीके हैं। टर्मिनल पे जाके न्यू टर्मिनल आप ओपन करेंगे तो डायरेक्ट ये नीचे टर्मिनल आपको दिख रहा है, ये ओपन हो जाएगा, नीचे छोटा सा बनता है। तो एक तरीका ये है टर्मिनल ओपन करने का। अभी ये पावर सेल ओपन है, जैसा कि आप देख सकते हैं पावर सेल का टर्मिनल है। तो ये पावर सेल तो चाहिए हमें, कि हम अभी फिलहाल देखते हैं कैसे हम टर्मिनल ओपन करेंगे। पहला तरीका यहाँ पे जाके न्यू टर्मिनल, और दूसरा तरीका है व्यू पे जाके टर्मिनल, तो ये टर्मिनल नीचे ओपन हो जाता है।
और तीसरा तरीका जो हमें ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए, कंट्रोल प्लस ये डैश होता है, वो क्लिक करेंगे तो नीचे से वो खुल जाएगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं व्यू में जाके कौन सा शॉर्टकट की है, कंट्रोल प्लस ये डैश, उसको शॉर्टकट की दबा के आप ये ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। तो हम जैसे ये टर्मिनल ओपन कर रहे हैं तो ये पावर सेल बाय डिफॉल्ट ले रहा है, तो हम चाहते हैं कि पावर सेल ना ले, गिट ले, गिट बैश ले, क्योंकि हमें गिट बैश का यूज करना है। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे नहीं, ये नीचे का एरो दिख रहा है उस पे क्लिक करेंगे, ये कौन कौन सा टर्मिनल हमारे सिस्टम में अवेलेबल है ये सारी लिस्ट है, पावर सेल है, कमांड प्रॉम्प्ट है, गिट बैश है, जावा स्क्रिप्ट डिबगिंग टर्मिनल, तो हमें गिट बैश चाहिए, तो गिट बैश ओपन। तो ये गिट बैश ओपन हो गया अभी, तो हमें गिट बैश चाहिए। अगर हम इसे बंद करते हैं और वापस कंट्रोल डैश दबाते हैं तो ये वापस पावर सेल खुल जा रहा है। तो इसे हटाने के लिए हम यहाँ पे जाके ये नीचे का एरो पे क्लिक करके सेट डिफॉल्ट प्रोफाइल पे क्लिक करके हम यहाँ अपना टर्मिनल सेलेक्ट कर सकते हैं, हमें कौन सा टर्मिनल चाहिए, हमें गिट बैश चाहिए, कमांड प्रॉम्प्ट चाहिए, जावास्क्रिप्ट, या विंडो पावर सेल क्या चाहिए, तो हमें चाहिए गिट बैश, इंटर करेंगे। अभी हम इसे क्लोज करते हैं, वापस कंट्रोल डैश दबाते हैं तो यहाँ बैश ओपन होगा, गिट बैश। तो इस तरह हम गिट बैश को अपना डिफॉल्ट टर्मिनल बना सकते हैं। अगर आपको गिट बैश नहीं चाहिए रहता है तो आप ये डाउन एरो पे क्लिक करके पावर सेल कमांड पर कौन सा टर्मिनल आपको चाहिए आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में विजुअल स्टूडियो के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जानेंगे, उसके बाद ही हम अपना कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ताकि हम मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि हमें आगे प्रॉब्लम ना हो। तो मिलते हैं अगले विजुअल स्टूडियो के वीडियो में, जिसमें मैं आपको विजुअल स्टूडियो स्टार्ट टू एंड कैसे चलाया जाता है, उसे कस्टमाइज प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है, इसके सब सेटिंग में आपको बताऊंगा, ये सारे टैब के बारे में बताऊंगा, तो ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।